हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ सो स्टूडेंट्स वेलकम इन योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास सो एज यू कैन सी टूडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज अ लिटल टर्टल ओके फर्स्ट आई विल रिसाइड दिस पोम एंड देन आफ्टर मी यू विल रिसाइड दिस पोम ओके so let's start okay good so first i will recite then you will recite with me i am i am a little turtle i crawl so slow i carry my howl wherever i go when i get tired i put in my head my legs and my tail and i go to bed okay students once again i will recite this poem you will same you will recite this poem okay and you will learn this poem also i i am a little turtle i crawl so slow i carry my house wherever i go when i get tired i put in my head my legs and my tail and i go to bed okay students so students this is a poem about a turtle a little turtle you know what is turtle turtle means a animal that lives in land and water okay a turtle hen सो समरी ऑफ दिस पोम इज दिस इज अ पोम दिस पोम इज अबाउट अ लिटल टर्टल ये जो पोम है एक टर्टल के बारे में है ही वॉक्स वेरी स्लोली वो जो है बहुत धीरे चलता है एज यू नो कि कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता है ओके ही कैरीज हिज होम दैट इज हिज बैक ओके विच इज अ शेल ही कैरीज हिज होम दैट इज हिज बैक मतलब वो अपने घर को अपने पीठ पर उठाकर चलता है और वो क्या है एक शेल है जो जो टर्टल की बैक होती है वो एक बहुत हार्ड सी होती है जिसे शेल कहते हैं ओके सो वेर एवर ही गोज एंड वेन एवर ही गेट्स टायर्ड जब कहीं वो वो जब भी कहीं जाता है या जब भी वो थक जाता है सो ही यूजेज हिज शेल एज अ बैड वो अपने शेल को क्या करता है अब एक बेड की तरह यूज करता है और वो अपने अपने जो हेड है लेग्स हैं और जो उसकी टेल है उसको इस शेल के अंदर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने अपने हेड को अपनी लेग्स को और अपनी टेल को इस शेल के अंदर छुपा लेता है और उसमें सो जाता है एंड स्लीप इन साइड इट और इसके अंदर सो जाता है ओके स्टूडेंट्स सो द समरी ऑफ दिस नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस समरी टोटली इन इंग्लिश मैंने आपको हिन्दी में इसका वर्ड मीनिंग समझा दिया अभी मैं इसकी समरी बता पहले हम जो है मैं आपको वन बाय वन इस पोम की वर्डिंग समझाती हूँ उसके बाद फिर हम एक बार फिर समरी रिवाइज करेंगे आई एम अ लिटल टर्टल आई एम मीन्स मैं अ एक लिटल छोटा टर्टल मीन्स कछुआ ठीक है मैं एक छोटा कछुआ हूँ आई क्रॉल क्रॉल होता है रेंगना ठीक है आपने छोटे बच्चों को देखा है ना अपने हाथ और अपने घुटनों के बल चलते हैं वो धीरे धीरे क्रॉल सो बहुत ज्यादा स्लो धीरे चलता हूँ ठीक है मैं जो हूँ बहुत धीरे रेंगता हूँ या चलता हूँ आई कैरी माई हाउस आई कैरी मतलब उठाना माई मेरा हाउस मतलब घर मैं अपने घर को अपने पीठ पे उठाता हूँ वेयर एवर आई गो जहां भी कहीं मैं जान, जाता हूँ मैं अपने घर को अपनी पीठ पर उठाकर लेके जाता हूँ देन वैन आई गेट टायर्ड जब कभी वैन मतलब जब आई मैं गेट हो जाता हूँ टायर्ड थक जाता हूँ जब कभी मैं थक जाता हूँ आई पुट पुट मतलब रखना इन अंदर माय मेरा हेड मतलब सिर मैं अपने हेड को अंदर रख लेता हूँ माय लेग्स अपनी टांगों को एंड माय टेल मेरी पूछ को ठीक है तो जब जो मेरा हाउस है ये जो हाउस जिसकी शेल की जिसकी वो बात कर रहा है कि जब कभी मैं थक जाता हूँ तो मैं अपना हेड अपनी लेग्स और अपनी टेल को इस अपनी बैग के अंदर रख लेता हूँ ठीक है एंड आई गो टू बेड और फिर मैं सो जाता हूँ सो so, जो ये अपना शेल है उसको ये अपना हाउस बताता है टर्टल और इस शेल के अंदर जब वो सोता है तो उसे वो बेड की तरह मतलब इसे वो बेड की तरह भी यूज करता है कि वो उसे लगता है कि मैं अपने बेड पे सो रहा हूं ठीक है स्टूडेंट सो दिस इज हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम नाउ द समरी ऑफ दिस पोम इज दिस इज पोम दिस पोम इज अबाउट अ लिटल टर्टल ही वॉक्स वेरी स्लोली ही कैरी हिज होम दैट इज हिज बैक विच इज अ शेल Wherever he goes, whenever he get tired, okay, he uses his shell as a bed and sleep inside it. इन साइड इट ठीक है स्टूडेंट्स तो ये था इस, इस पोम की समरी के जो ये little टर्टल है वो बहुत धीरे चलता है और अपने घर को वो अपनी पीठ को अपना घर बताता है जो कि एक शेल है ठीक है और जब जहाँ कहीं भी वो जाता है वो अपने घर को अपने साथ ले जाता है और जब कभी वो डर जाता है तो वो उस अपने घर के अंदर अपने शेल के अंदर अपना जब कोई वो थक जाता है तो अपने शेल के अंदर अपना सिर ले, अपनी लेग्स टांगे और अपनी पूंछ को अंदर कर लेता है और फिर वो उसे एक बेड की तरह समझकर और फिर उसमें अंदर सो जाता है okay students so this is all about uh, this poem now some new words are here carry c a double -R -R y carry means to pick something or or to hold something okay then crawl crawl means to move slowly on hands and knees matlab ghutno ke this is like crawl ठीक है हाथ और घुटनों के बल चलना रेंगना जिसको बोलते हैं टायर्ड मीन्स थक जाना एंड टर्टल मीन्स कछुआ ओके सो दिस इज नाउ आई विल शो यू द वर्कशीट रिलेटेड टू दिस पोम ओके यू विल लर्न एंड रिसाइड दिस पोम एट होम वंस अगेन आई रिसाइड दिस पोम विद द रिदम एंड यू विल फॉलो दैट रिदम आई एम टल टल i crawl so slow i carry my house wherever i go when i get tired i put in my head my legs and my tail and i go to bed okay students you will follow this rhythm and you um, um, then you will recite this poem like i recite it okay I a आपके लिए गाया है आप भी उसी तरह से इस पोएम को अच्छे से लर्न करेंगे ओके नाउ इट्स टाइम टू शो यू द वर्कशीट दिस इज योर वर्कशीट इन दिस वर्कशीट इन दिस वर्कशीट द समीशन डेट ऑफ दिस वर्कशीट इज नाइनटीन फ़रवरी 2021 ट्वेंटी वन एंड योर होमवर्क डेट इज थर्स डे एटीन फेब्रवरी टू ओके नाउ द हार्डवर्ड्स फर्स्ट इज टी यू आर टी एल ई टी यू आर टर टी एल ई टल टर्टल टर्टल मीन्स कछुआ ओके देन सी ए डबल आर वाई कैरी कैरी मीन्स टू होल्ड समथिंग ठीक है कुछ उठा के चलना देन एच ओ यूएसई हाउस हाउस मीन्स घर टी आई आर ई डी टाइड टाइड मीन्स थक जाना रेस्टलेस देन सी आर ए डब्ल्यू एल क्रॉल क्रॉल मीन्स रेंग कर चलना T A I L, tail, tail means पूँछ, okay? Then now students, question number second is word meanings. So first word is T U R, turtle, T A L E T L, turtle, turtle means a small animal that lives in water and land. Turtle क्या है? एक छोटा सा जानवर है जो पानी में और ज़मीन पर दोनों पर रह सकता है, okay? Then C R A W L, crawl. टू मूव स्लोली ऑन हैंड्स एंड नीज मतलब हाथ के और घुटों के बल चलना धीरे धीरे चलना देन कैरी सी ए डबल आर वाई कैरी टू होल्ड समथिंग ठीक है कुछ सामान उठाकर चलना या कुछ पकड़कर चलना देन वेअर एवर डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर ई वी आर एवर वेयर एवर एट एनी प्लेस किसी भी जगह ठीक है तो एट एनी प्लेस मतलब किसी भी जगह पर अरेवर देन टायड टी आई आर ई डी टायर्ड वेरी डब्ल्यू ई ए आर वाई वेरी और इन नीड ऑफ रेस्ट ठीक है मतलब जिसको रेस्ट की जरूरत हो या जो रेस्टलेस हो उसे बोलते हैं टायर्ड ओके देन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज मेक सेंटेंसेस नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स लाइक कैरी टू होल्ड समथिंग नाउ वी विल मेक सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड दैट इज कैरी अ पेन विथ यू ठीक है कैरी अ पेन विद यू मीन्स कि अपने साथ हमेशा एक पेन रखो देन क्रॉल सी आर ए डब्ल्यू एल क्रॉल क्रॉल मीन्स स्मॉल इंसेक्ट क्रॉल ऑन द फ्लोर मतलब छोटे जो आ, न, कीड़े होते हैं वो न, जमीन फ्लोर मतलब फर्श पर रेंगते रेंग रहे रेंगते हैं ठीक है देन टायर्ड टी आई आर ई डी टायड टायर्ड मीन्स आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग मीन्स कि मैं खेल कर थक गया हूं देन टर्टल माई फ्रेंड हैज कैप्ट अ टर्टल एज अ पैट मेरे फ्रेंड ने एक टर्टल तर, जो है अपने घर में पाला है एक पालतू जानवर की तरह उसको पाला है देन स्लो टर्टल मूव स्लोली जो टर्टल है वो बहुत स्लोली मूव करता है ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज Sorry, student, this is question number four. By mistake, I put it three. And this is question number five. And this is question number six. Okay, so question number four is take the correct option. Here I am giving you two questions. And in each question, there are some options. You will take the correct one. So, first is what does a turtle carry every time with him?

टर्टल कैसे वॉक करता है वेरी फास्ट स्लो और वेरी स्लो टर्टल वॉक्स वेरी यस, फास्ट स्लो और वेरी स्लो विच वन इज द राइट आंसर नो स्लो इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज इन पोम यू रीड आई क्रॉल सो स्लो सो स्लो मीन्स बहुत ज्यादा स्लो सो इट मीन्स वेरी स्लो सो आंसर राइट आंसर विल बी वेरी स्लो Okay, then question number five is fill in the blanks. The turtle dash very slow. The turtle walks very slow. The turtle crawls very slow. Not walks, it will be, I think it will be crawl. Hai na? Not walk. C R A W L. Crawl.

Head and tail in its in its house. Okay. So these are the Phillips. Crawl, bed, head. Now, question number six is give answer to the following questions. Now I am giving you some questions. You will answer answer me of these questions. First question is: who does how does turtle box? So tell me how does turtle box? Yes very good very slowly so how um, how can we write the answer the turtle the turtle walks very walks very slowly s l o w l y very slowly then question number second hand what does a turtle carry on its back what does turtle carry on its back yes tell me yes very nice its house so answer will be the a turtle what does a turtle we will write the turtle. Answer will be the 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 turtle carries 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 its house. ऑन इट्स बैक के जो टर्टल है वो अपनी पीठ पर अपना घर उठाकर चलता है ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डर्टल डू वेन इट गेट्स टायर्ड सो स्टूडेंट्स व्हाट डज टर्टल डू वेन इट्स गेट टायर्ड जब टर्टल थक जाता है तो वो क्या करता है येस टेल मी Yeah, it it puts it puts his head legs and tail and tail.

legs and tail in shell when he gets tired okay then question number 4 is where does the turtle go to sleep so what is the answer of this question where does the does the turtle go to sleep yes he good he went

to sleep to sleep he went in his shell to sleep he went in his shell to sleep this will the correct answer okay so i will write it again some mistake is there sorry for that he went in his shell in his shell to sleep okay this is the correct answer so students this is all about this ch um, chapter um, sorry this poem a little turtle there are some hard words word meanings take the correct answer fill in the blanks give answer to the following questions okay so these are uh, these all are the exercises of this poem um, because students now your exams are uh, coming uh, very soon so that's why i am giving you the all the question of this poem in one worksheet you will do this in your notebook and learn this poem and learn these question answers also okay and now onwards we will start revision of your english subject right students till then stay home and stay safe thank you and i have a nice day